किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर बेलपत्री। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा, अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए, और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया, किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धोक लगाकर प्रणाम कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिलाए। जिस दिन रविवार की प्रदोष पड़े उस दिन एक लाल वस्त्र में पीली सरसों रखकर और उसके अंतर्गत कुछ भी एक, या तो बमूल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा ही उसके अंतर्गत रख लीजिए। और मान लो कोई काम ऐसा है कि उसमें पैसा तुम्हारा आ ही नहीं रहा, बहुत घाटे पर घाटा जा रहा है, नुकसान बहुत हो रहा है और कोई काम हो ही नहीं रहा, तो महाराज जिस दिन रविवार की प्रदोष पड़े उस दिन एक लाल वस्त्र में पीली सरसों रखकर और उसके अंतर्गत कुछ भी एक, या तो बमूल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा ही उसके अंतर्गत रख लीजिए, और उसको शिव मंदिर का स्मरण कराकर शंकर भगवान का नाम लेकर रू रू भैरव, कौन सा भैरव है उसकी भी कथा भी आने वाली है, दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जब माता अवतार लेगी तब शंकर भगवान बच्चे का रूप रखकर रोएंगे, तो शिव जी का एक नाम होगा रू रू भैरव। ये भैरव कहां पर रहता है, तो कहा यह शमशान में रहता है। कहां रहता है ये भैरव? शंकर का जो एक अवतार है रू रू भैरव, ये भैरव अवतार शमशान में रहता है। तो इस भैरव का काम क्या है, तो कहा शमशान में शमशान की जो अग्नि होती है, भले गीली लकड़ी रहे, भले उसमें कोई पदार्थ डाले ना डाले, थोड़ी देर में वो अग्नि रू रू आवाज, हल्की सी शमशान की जो अग्नि जलती है उसमें एक आवाज आती है, आप ऐसे कोई अग्नि जलाएंगे ना उसमें आवाज नहीं आएगी, ध्यान देना। हमारे शमशान में अगर जो लोग गए होंगे मुर्दा जलाने के लिए, तो अगर वो एकांत में बैठेंगे तो उसमें से एक आवाज आती है रू रू। तो शिव पुराण कह रही है कि उस सरसों को कांटे को रू रू भैरव का नाम लेकर जिस व्यापार जो नहीं चल रहा है, दुकान जो नहीं चल रही है, उस दुकान के सामने, उस व्यापार के सम्मुख में उसको जला दिया जाता है, ये करा जाता है रवि प्रदोष के लिए। महाराज कौन से प्रदोष? रवि प्रदोष, जो सुख का भान कराती है, व्यापार की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए इसका प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर दारुक नाम का जो असुर है, दारुक नाम का जो राक्षस है, उसका एक ही कहना है कि मैं मरूं, मना नहीं है ब्रह्मदेव पर, वो मरने का। नंदी का एक पांव जो ऊपर होता है, आप लोग दर्शन करे होंगे शंकर जी के मंदिर में नंदी के, तो नंदी का एक पांव उठा हुआ होता है, एक पांव नीचा की ओर होता है। हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो एक नीले कलर का फूल आता है हमारा, उस फूल में हल्दी डालकर गुरुवार का प्रदोष पड़ने पर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको, ये तो लिखा था स्कंद पुराण और शिव पुराण, लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो, उससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम लगने लगता है। जैसे कहीं शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुन्न पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुनझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, जैसे मान लो कोई काम, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर केवल 3 दिन ऐसे रहेंगे, 3 बार ऐसे रहेंगे, 3 तिथियां ऐसी रहेंगी, 3 समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। 3 दिन, 3 तिथियां, 3 बार, 3 नक्षत्र, 3 घड़ी, 3 पल, जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं, और शूल अकेले धारण नहीं करते महाराज, जो धतूरा होता है ना
दर्शन करें, धतूरे के कांटे कांटे सा होता है धतूरा, तो वो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं, बेलपत्री के शूल को। ये बहुत बहुत आनंदमय कथा है महाराज जी, जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं। बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा, ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुलवाई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापिस वही घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं ये तीन घड़ी, तीन पल, तीन नक्षत्र, तीन समय, तीन दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो तीन दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लो। भाव पहला, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के सात कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी, आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष, दूसरा शिवरात्रि के दिन मध्यान्ह का समय महाराज, जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्यान्ह का समय दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो महाराज, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को सात कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता हूं, तृतीय शूल, तीसरा शूल, जो वर्णन करा गया महाराज, भगवान श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार, आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन कथा में आप लोग सुन चुके हैं, लाइव कथा में श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया गया था। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे महाराज, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये तीन बार
मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना। मेरी जीजियों, दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक वैशाख महीने में मट्टी के पात्र का जल। अभी अभी क्या चल रहा है? फागुन। अभी क्या चल रहा है? फागुन। जब वैशाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन बैसाख महीने में, या किसी प्रदोष के दिन, या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओ। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छा मिले ना मिले, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता,